और वो सब बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर कोई ये देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो पहली बार परमेश्वर ने मुझसे क्या बात की, मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। प्रेज द लॉर्ड चर्च। किसी ने तो कहा कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, हालेलुया। तो मेरा नाम अंकित है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड में 2.5 साल के बाद आ रहा हूँ। तो अभी 2 और 2.5 साल पूरा हो चुका है और मैं आया था एक स्टूडेंट के तौर पर, और मैं पढ़ने के लिए आया था यहाँ पर 7th 11 बिजनेस स्टडीज़ को। और 5 महीने पहले, जस्ट 5 महीने पहले मैं हिंदू था। मेरी तरफ देखिए सभी लोग, 5 महीने पहले मैं हिंदू था और मैंने अपने बॉक्स में से एक कदम बाहर लिया, मैंने एक कदम उठाया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का और मैं चलने लगा अपने विश्वास में, अपने छोटे से विश्वास में जो यीशु मसीह में था। और मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, सभी कहते हैं कि वो रियल है और मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो रियल है और यीशु मसीह विश्वास योग्य है। आप नोट कीजिए, आप सभी लोग नोट कीजिए जो मैं आपको, मेरी जो कहानी अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो जब मैं मसीह में आया तो सभी लोगों ने कहा, मुझे फेसबुक पर मैसेज मिला कि तुमने तुम्हारा धर्म बदल लिया है। मैंने उनसे कहा कि मैंने धर्म को नहीं बदला बल्कि कि मैंने धर्म को छोड़ा है और मैं रिलेशनशिप में आया हूँ यीशु मसीह के। और इस 6 महीने के रिलेशनशिप में परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अपनी गवाही बताने जा रहा हूँ जहाँ पर जब परमेश्वर ने मुझसे बात की। पिछली बार मैंने अपनी गवाही शेयर की थी जब परमेश्वर ने मुझसे पहली बार बात की थी, और वो सब बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर कोई ये देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो पहली बार परमेश्वर ने मुझसे क्या बात की, क्योंकि हर कोई चिंता में रहता है अपने रेजिडेंस या अपने भविष्य और उसके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में। तो मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी चिंता में था कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि हर एक चीज़ निर्भर होती है आपके वीज़ा के ऊपर। अगर आपके पास वीज़ा है तो आप रह सकते हैं, अगर नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो पहली बार परमेश्वर ने जब मुझसे बात की, मेरा पहला सवाल था कि परमेश्वर मुझे रेजिडेंसी कब मिलेगी, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये कन्फर्म है कि तुम्हें रेजिडेंसी मिलेगी क्योंकि उसी के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, एक पर्पस के लिए, एक पर्पस। और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं तुम्हें रेजिडेंसी दे दूँगा, अगर मैं आज दूंगा तो तुम कल जाओगे इंडिया में, पर उसी के लिए मैं अभी तुम्हें कुछ सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम ये बातें अपने घर में सिखाओ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम बचो और फिर तुम्हारा घर और तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। तो उन्होंने मुझे सिखाया और तैयार किया, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और मुझे अपनी रेसिडेंसी मिली विद इन 2.5 ईयर्स में, 2.5 सालों में। और ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, मैं इस कंट्री में विदाउट आईलेट्स के आया था, अभी भी मेरे पास आईलेट्स नहीं है, लेकिन ये रहा मेरा रेजिडेंसी का वीज़ा। परमेश्वर की स्तुति हो, लोग रेजिडेंसी के वीज़ा के लिए भागते हैं, पर परमेश्वर ने मुझे ये रेजिडेंसी का वीज़ा दिया। तो जब लोग कहते हैं कि तुमने हार्ड वर्क किया है, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि फील्ड पर लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं जो फील्ड पर ज़्यादा मेहनत करते हैं वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो मजदूरी करते हैं वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इंडिया में आप जानते हैं ऑटो रिक्शा वालों को, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो हर दिन 45 डिग्री से भी ज़्यादा सूरज की रोशनी में वो हार्ड वर्क करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर ये परमेश्वर का उपकार है मेरे ऊपर। तो आप सभी लोगों के लिए एक मेरे पास सवाल है, आप में से कितने सारे लोगों ने इमिग्रेशन के साथ डील की है? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, सभी ने की है, तो दुबे ने भी की है, दुबे का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन के साथ। तो एक छोटा क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी क्विक, कि आखिरकार कम से कम कितना समय लगता है इमिग्रेशन सिस्टम से रिप्लाई आने के लिए, आपको रिप्लाई आने के लिए? चलिए जल्दी बताइए, कोई भी बता सकता है। 10 दिन, 2 हफ्ते,
23 दिन, एक दिन या 3 दिन या फिर एक दिन से कम में। क्या मुझे वो पहला वाला फोटो मिल सकता है? क्या आप में से कोई ये डेट और समय देख सकता है? नहीं, तो ठीक है। तो 11 जनवरी 2017 में 9:21 को मैंने ईमेल सेंड किया और मुझे रिप्लाई मिला। थोड़ा नीचे कीजिए। और मुझे रिप्लाई मिला 11:06 को, 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे के अंदर मुझे रिप्लाई मिला 11 जनवरी को। ये है वेलकम टू द सुपर नेचुरल वर्ल्ड। अगर आप कहेंगे कि ये तो बाय चांस हो गया लक के ज़रिए से, तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको दूसरी पिक दिखाता हूँ। तो मैंने उनको दोबारा से मेल किया 12 जून को, 11:32 को, तो 12th of Jan 11:32। तो मुझे रिप्लाई मिला 12th of Jan 11:44। 10 मिनट के अंदर मुझे इमिग्रेशन से रिप्लाई मिला। क्या ये भी बाय चांस या बाय लक हुआ है? ओके, ये बाय चांस या बाय लक हुआ है। दूसरी पिक दिखाइए। फिर से मैंने उनको ईमेल किया 13 जनवरी 2:30 को, और फिर से मुझे रिप्लाई मिला 13 जैन 2:44 को, 10 मिनट के अंदर। अब ये तीसरी बार है। तो ये तीसरी बार था, तो मैंने परमेश्वर से कहा कि ये क्या चल रहा है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैंने उस ऑफिसर को सिर्फ तुम्हारा ही मेल देखने के लिए रखा है। तो मैंने उनसे कहा, प्रभु आपके वर्ड्स कहते हैं कि अलग अलग लोगों से कन्फर्मेशन लो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे और एक कन्फर्मेशन चाहिए, और एक फ़ोटो लगाइए प्लीज़। तो फिर से मैंने उन्हें ईमेल किया 19 जैन को 157 पे, और मुझे रिप्लाई मिला 19 जैन 159 को, 2 मिनटों के अंदर। ये सुपर नेचुरल है? ये मेरा लक नहीं है, पर उसकी दया और अनुग्रह है, परमेश्वर की दया। परमेश्वर की स्तुति हो। अब मैं अपनी तरफ देखूं। अगर मैं आपको अपने ब्लेसिंग्स का सीक्रेट बताऊं, आप सभी लोग सावधानी से सुनिए। अगर यीशु आपके हार्ट का सेंटर है, आपके जीवन का सेंटर है, इसके लिए नहीं कि पैसों की खोज के लिए, ना कि चीज़ों को पाने के लिए, पर अगर यीशु आपके जीवन का सेंटर है, तो ये सेम दया और अनुग्रह आप अपने जीवन में रिसीव करोगे। और अभी किसी ने तो आमीन कहा, और आप यहाँ पर खड़े होंगे अपने टेस्टिमनीज के साथ। आप मुझे हमेशा देखोगे यहाँ पर, कि अंकित आता है हर वक्त अपने टेस्टिमनीज के साथ, हर एक बार। मेरे पास और एक टेस्टिमनी है। मुझे मेरी रेसिडेंसी मिली, इट्स फाइन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, आई प्रेज यू, आई वर्शिप यू। पर बहुत बार आपने देखा है कि जोशुआ कहता है कि मैं कहता हूँ कि लॉर्ड आई विल रिसीव $100, और उसे स्ट्रेट अवे $100 मिल जाते हैं। लेकिन प्रभु, जब मैं घर आता हूँ और जब मैं कहता हूँ कि लॉर्ड आई रिसीव $10, पर क्या होता है, मुझे $10 नहीं मिलते। पर क्यों? कि जोशुआ ने कहा कि उसे $100 मिले, और मैंने सिर्फ $10 मांगे, और मुझे क्यों नहीं मिले? क्यों मुझे $10 नहीं मिले? सेम यही जब मैं इस तरीके से बात कर रहा था कि प्रभु मुझे मेरा पासपोर्ट मिलेगा, प्रभु आज मुझे मेरा पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब प्रभु ने मुझे सिखाया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। विश्वास करो, ये आप सभी लोगों का क्वेश्चन है कि आप रिसीव करना चाहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर क्यों? आज आपको इसका आंसर मिलेगा। आज आप सभी लोगों को इसका आंसर मिलेगा। एक दिन मॉर्निंग में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, पर प्रभु आप आइए, पवित्र आत्मा जी आइए और मुझे छूइए और मुझे सिखाइए, और मैं ऐसा कर रहा था और पवित्र आत्मा जी आए। और सडनली जब मैंने होली स्पिरिट को महसूस किया, और सडनली फिर मैं अपने फॉर्म के पास गया, और 2 दिन के अंदर मुझे अपना पासपोर्ट मिला। मैंने ये सब कुछ लिखा है अपने नोटबुक में। मैं अपने नोटबुक में सब कुछ लिखता हूँ जो मैं कहता हूँ।
और 2 दिनों के अंदर मुझे अपना पासपोर्ट मिला, 2 दिनों के अंदर। तो जब भी आपको कुछ बोलना है तो बोलने से पहले आप पवित्र आत्मा से भरिए और तब बोलिए। कभी भी परमेश्वर पर ब्लेम मत कीजिए। अगर जोशुआ कहता है उसके साथ हुआ है और मेरे साथ नहीं हुआ है, तो भी परमेश्वर आप अच्छे हैं। और एक आखिरी चीज़, और परमेश्वर ने जब मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें आज रेसिडेंसी दूंगा तो तुम कल इंडिया में जाओगे, और 23 अप्रैल को मैं इंडिया जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे बड़ी गवाही दी है, तो अभी मैं सक्षम हूँ कि मैं इंडिया में जाऊँ और अपने पेरेंट्स को बताऊँ कि मेरा परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। और मैंने आपको सबूत भी दिखाया है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसे आपकी परवाह है और वो आपके लिए यहाँ पर है।